अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, हियर वी गो। स्टार्ट करते हैं आज का शो। अगेन एक ऐसा शो है जिसको आप सबने बहुत पसंद किया है। हमारा ये फॉर्मेट है और हमने इसको इसलिए आपके लिए सजाया है क्योंकि वो लोग जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो अपनी मेमोरी जीने लगते हैं इसमें, और जिनकी होने वाली हैं वो कुछ आइडियाज ले लेते हैं जिंदगी के नशीबो फराज कैसे होते हैं, शादी से पहले एक दूसरे से मिलना कितना मुश्किल होता है, शादी चाहे अरेंज हो या प्यार मोहब्बत वाली हो, एंड रिजल्ट यही है कि दो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक साथ रहना है। आज आपको गेस करना है कि वो कौन दो लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ इस प्रोग्राम में शरीक है। उन्हें आप ड्रामे में बहुत देखते हैं, उनमें से एक आदमी को, ही इज वन ऑफ द लीडिंग मेन ऑफ आर इंडस्ट्री, बहुत बड़ा नाम है। बट द क्वेश्चन इज कि आप उसको गेस कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर बाद टेलीफोन लाइंस ओपन कर दूंगा और जो शख्स भी ये गेस करेगा कि आज हमारे शो पे कौन है, हम उसको जीत के समा के छह पासेस एंड 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 10,000 रुपीज कैश एंड नो नो एंड एंड हमारा एक राउंड होता है गाड़ी का, फाइनल राउंड के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन। लेकिन इससे पहले ये गीत, आपकी तालियां अगर होंगी तो मजा आएगा वरना नहीं। मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। आए हाय वाह वाह, थोड़ा और बजा दे तो मजा आएगा। ये मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा
सामने बैठो आई बाबा बहुत अच्छे इसको बंद कर दिया दरवाजे को क्या कोई गेस कर सकता है कोई गेस कर सकता है 10,000 रुपए हाँ आपने करना है नहीं यार आपने देख लिया होगा नहीं 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 ऑडियंस नहीं कॉल 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 जल्दी दीजिए क्यों दीजिए जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ जख्मों का तरन्नुम है अश्कों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा और आई जी थोड़ा सा म्यूजिक को रखिएगा बजाते रहिएगा लेकिन कम कीजिएगा कॉल लेते हैं 10,000 रुपए कैश 6 पासेस जीत के समा के और ऑटोमेटिकली फाइनल राउंड गाड़ी में आपकी एनरोलमेंट आइए बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम आपका नाम जी मैं नसीबा बोल रही हूँ मैं साहिर बोल रहा हूँ जी नसीबा बोलिए कौन है भाई मेरे आपके पासेस तो नहीं मिले मुझे अरे मिल जाएंगे ना ठहर जाओ ना तो प्रॉब्लम क्या होती है बताओ आज हमारे साथ मेहमान कौन है थोड़ा सा हिंट दे आप थोड़ा सा हिंट दो ये ड्रामों में आते हैं बेतहाशा ड्रामों में आते हैं एक जमाने में सिंगिंग का भी शौक चढ़ा था इनको और ये गाते भी थे हाँ और अच्छा गाते थे ऐसा बुरा नहीं गाते थे आजकल इनके बेतहाशा ड्रामे चल रहे हैं लंबे कद के हैं गोरे से हैं हीरो आते हैं एक और टेलीफोन कॉल सलाम अलैकुम जी बच्चे रो रहे हैं पीछे सलाम अलैकुम हेलो 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 हाँ जी अपना टेलीविजन तो बंद कर दीजिए जी जी बंद है बंद हाँ, है ओके ओके गुड बोलिए बताइए कौन है आज हमारे साथ थोड़ा सा हिंट दे ये ड्रामों में आते हैं एक जमाने में गाने का भी शौक था आजकल बेतहाशा ड्रामे चल रहे हैं आप इन्हें लीडिंग रोल्स में देखते हैं ड्रामे का नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि फौरन गेस हो जाएगा लंबे से हैं हाँ बोलिए समी खान कौन समी खान जी नहीं समी खान नहीं है अच्छा, अच्छा, अच्छा एक बात और बता दूं खान है खान है लेकिन समी खान नहीं है अच्छा एक बात आप इनको एड्स में देखते हैं और एड में ये अच्छा नेक्स्ट कॉल ये एड के अंदर डॉक्टर बने हुए होते हैं तो सलाम अलैकुम जी वालेकुम सलाम जी एजाज साहब बोल रहे हैं जी सर एजाज बात कर रहा हूँ हाँ जी सर जी बताइए कौन है ये पहले तो सर मैं ये कहूंगा कि एक हमारे विकल थे मोहम्मद शाह साहब हैदराबाद से वो कहते थे कलंदरों के यार भी कलंदर होते हैं अच्छा जो आपके शो में आएंगे वो आप जैसे ही होंगे इंशाल्लाह ताला वो आप जैसी मोहब्बत करने वाले और मिलनसार होंगे चलिए तो वो ये यू फोन के एड में आते हैं मैं ज्यादा टीवी तो देखता नहीं टीपू या ऐसी कुछ नाम है इनका ना नहीं ये वो नहीं है लेकिन ये एड में जरूर आते हैं एड में शायद आते हैं और एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का तुम लोग नहीं बताओगे तुम लोग देख चुके हो अरे कैसे नहीं देखा अच्छा, चलो ठीक है तुम लोगों ने तुम लोगों ने वो गाना सुना झूठ बोले कव्वा काटे काले कव्वे से डरियो नहीं 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 बताना नहीं है अस्सलाम वालेकुम एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम मरियम हाँ जी मरियम जी कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हाँ तो मरियम बताइए कौन है हमारे साथ आप कह रही है खान है खान है एड में आते हैं एड कुछ सफाई से मुतालिक है डिटोल की शायद में आते हैं या सेफगार्ड में आते हैं अब मुझे नहीं पता आपने गैस करना है खान है ये शाहिद अफरीदी खान तो हो नहीं सकता शाहिद अफरीदी खान है नहीं मैंने आपसे आपकी ख्वाहिश की बात नहीं की है एक टेलीफोन कॉल एक हाँ अच्छा जी सब अच्छा वो तो बात है नहीं वो तो फिर पता ही चल जाएगा सबको अस्सलाम वालेकुम जी हेलो हेलो सलामकुम हाँ जी सलामकुम क्या नाम है आपका जमीला जमीला हेलो जमीला कैसी हैं आप ठीक हैं बस ठीक और जमील भाई कैसे हैं
बस अल्लाह का शुक्र। ओके ठीक है, अब मुझे बताइए आज हमारे साथ मेहमान कौन है? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी खान है? नहीं। अच्छा एक और कॉल, टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो हाँ जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। नौरीन बोल रही हूँ। हाँ नौरीन बोलो। हाँ साहिब भाई। हाँ जी। ये मुझे लगता है शेरबाज़ के एड में आते हैं, और इनका नाम एहसान खान तो नहीं है? भाई सेफगार्ड वालों को बता दें एहसन को प्लीज ले लें। एहसन तुम अब सेफगार्ड के ऐड में आओगे? नहीं एहसन खान नहीं है, बिल्कुल नहीं है एहसन खान। खान है। अच्छा ये एक बात मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आज सबको हिंट दे रहा हूँ, एक आप लोग नहीं बताएंगे, राजा इंदर हैं ये। यार भाई न्यूज पे कौन सा ड्रामा आता है? यार भाई न्यूज पे ड्रामा नहीं आता, टेलीफोन कॉल बोलना जरूर है आप लोगों को। हेलो सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी। हेलो कैसे हैं आप? ये वेलकम ठीक है, शुक्र। आप सुना? क्या सुना? सही हूँ। ये आयजा खान के शोहर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन आयजा खान। प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज किसी का शोहर मत बनाए, ये जिनके शोहर हैं उन्हीं के शोहर हैं, उनके अलावा किसी के शोहर नहीं है। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा बोलिए, कौन है हमारे साथ? ये अफजल जो जान रहे वो नहीं है, जो अफजल खान और उनकी है मिसेज। वो गोरे से और लंबे से हैं अफजल खान? तो क्या हो गया, अल्लाह ने उन्हें रूप तो दिया ना। मैं कसम खा के कहता हूँ मेरा तो वो यार है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, आई लव हिम, लेकिन वो लंबे नहीं है, वो मेरी तरह के कद के आदमी है, वो लंबे नहीं है। अब मुझे और अफजल खान को दोनों को अपनी टांगे बढ़वानी पड़ेंगी, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। बट लेडीज एंड, आपने गेस नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आप लोग अगर बताएंगे आप लोग क्वालिफाई नहीं करते। छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद रिवील करेंगे कि हमारे साथ आज हैं कौन। आज बहुत खूबसूरत शो है, रीज़न इज बिकॉज ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, शादी हुई कैसे, शादी में कौन कौन लोग शरीक थे और चैलेंजेस क्या है शादी के बाद, ये सारी चीज़ें, और आपकी बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स। लेकिन इनामात बहुत हैं, इनामात बेतहाशा हैं, इतने इनामात हैं, मैंने एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं यही ऑफर जो खुर्रम ने हमें दी थी और साथ साथ डॉक्टर ईसा ने दी थी कि मोटापे का अगर इलाज करवाना है तो एक महीने की फ्री, एब्सोल्युटली फ्री मेडिसिन जो है वो हम आपको देने जा रहे हैं डॉक्टर ईसा की तरफ से। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ पिक फोन करना है और हमसे बात करनी है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे बोलते हैं, ब्रेक के बाद जाएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक, बताते हैं आपको कि कौन है हमारे साथ। और इवन ब्रेक में भी ये ऑफर है कि आप अभी कॉल कीजिए, अभी गेस कर लीजिए, और अगर आपका गेस सही हुआ तो हम ब्रेक के बाद आपकी कॉल ले लेंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। Ladies and gentlemen, we have got, since we didn't receive any phone call, guessing it right, so main aapko reveal kar deta hu aaj hamare sath kaun hai, Mr. and Mrs. Faiz Khan. Kaise hain aap? Ye sera mujhe shukr hai, main yahan rehta hu. Allah ka shukr hai. Assalamu alaikum. How are you? Aap log assalamu alaikum. Yaar aap log dhang se to taaliyan bajaye, kya ho gaya yaar? आप सुनाइए कैसे हैं आप? सब खैरियत से है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे प्लेस लेज हो रहे हैं? हाँ कुछ चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए। ओके। कुछ नए होने वाले हैं। हाँ तो बस ये चल रही है। अच्छा सो हाउ इज लाइफ आफ्टर मैरिज? 4 years it's been, राइट? दिस इज योर फिफ्थ ईयर? 4 years अभी कंप्लीट हुए,
पांचवा साल शुरू हो गया ना। हाँ, कभी कभार लगता है कि टाइम जल्दी गुजर है, कभी कभार बड़ा भारी गुजरता है। वो जब भारी गुजरता है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जब अच्छा गुजरता है उसके बारे में बात करें। भारी तो शादीशुदा हजरात का अक्सर गुजरता है, बट यू नो उसके बारे में हम कोई बात नहीं सुनाने वाले नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यू एंड आई कैन टॉक अबाउट दैट लेटर। जब कैमरा नहीं हो तो हम लोग बात कर सकते हैं, वो बहुत पर्सनल होता है। ठीक है, बट कैसे मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की? वाज इट अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव को अरेंज बनाया है इस तरीके से। ओके, पसंद किया हुआ था और रिश्ता हो नहीं पा रहा था, तो फिर मेरे वालिद साहब भी गए और वालिद साहब कोई दो या तीन दफ़ा गए, और तीसरी दफ़ा जाकर उन्होंने बड़े प्यार से धमकी भी दे दी थी कि अगर शादी नहीं की तो हम आपकी बेटी को उठा के ले जाएंगे। ऑन रैकेट है, ऑन रैकेट। उसके बाद फिर मेरे इंटरव्यूज हुए, तो रिश्ता डालने के डेढ़ साल के बाद ये खुशखबरी हमें। तो ऐसा क्या था कि मतलब इनको आराम से मिल जाता? नहीं, बस बहुत सारे लोगों का होता है, एक रिजर्वेशन होती है। तो who was against your marriage? आपके आपके पेरेंट्स में से? अब्बू। अच्छा, वो नहीं चाहते थे? नहीं चाहते तो मतलब जाहिर है, बस वो मतलब मेरी तो मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो उनको था कि जब मैं पढ़ रही हूं तो बस कोई ऐसी कोई चीज ना हो। हां, और हम वेटिंग लिस्ट पे थे। हां, तो मेरी जैसे मेरी कंप्लीट हुआ है मेरा मास्टर्स जनवरी में। किस चीज में किया था आपने मास्टर्स? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, ओके। तो बस मार्च में फिर रस्म हो गई। उससे पहले जो है ना, अब्बू को बस ये था कि मतलब पसंद का सुन लिया था, तो अब्बू को बस ये था भी बस पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूं। लेकिन जब मेरा ख़त्म हो गया उसके बाद अब्बू मार्च में मतलब हमारी रस्म हो गई। अच्छा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना कि आपकी बेटी अब किसी और के साथ उसकी शादी हो जाएगी या चली जाएगी। इट्स रियली डिफिकल्ट। नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल। आई नो माई डैड एंड आई नो कि कितना मुश्किल उनके लिए हुआ था और अब तक कितना मुश्किल है। दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज। बहुत वैसे भी ये तो बहुत ज़्यादा लाडली बेटी थी। फादर्स आर फादर्स ना, मतलब कोई नो गाय इन द वर्ल्ड, कोई दुनिया में दामाद ऐसा नहीं हो सकता जो आपकी बेटी के लिए अच्छा हो। कोई दुनिया में दामाद ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यू नो दैट्स हाउ फादर्स आर, दैट्स हाउ फादर्स आर। अच्छा, तो फिर मुलाकात हुई तो मुश्किल आई थी शादी में? कोई थोड़े बहुत हर्डल्स आए थे, मतलब रिश्ता हो नहीं पा रहा था। मैं अभी भी उनको मजाक से छेड़ता था उससे पहले तक कि देखें अगर आप डेढ़ साल पहले करते थे तो क्या बिगड़ जाता आपका, आपने मेरे साथ ज्यादती की है। शादी हो चुकी थी ना, तो फिर मैं बड़े भरम के साथ उनसे बोल सकता था, तो मैं बोलता था, हंसते थे वो। तो बाहर हर्डल्स कुछ आए, वो फिर उसके बाद तय हो गए। फिर वही वाली बात है कि जहाँ नसीब में, जिस तरह से नसीब में होता है, आप उसी एक पाथ पे, उसी एक पगडंडी पे चले जाते हैं और फिर उसके बाद आपकी मंजिल आपको मिल जाती है। अच्छा, जब आप इनको बहुत सारी हीरोइंस के साथ देखती हैं, इनके साथ काम करते हुए देखती हैं, तो कभी कुछ ऐसा तो जेलसी फैक्ट वगैरह आता है? बहुत सारे नहीं नहीं, मतलब हमारे रिलेशनशिप को माशाल्लाह, मतलब अगर शादी से पहले ही 7 साल हो चुके तो मैं तो यूज्ड टू हो गई थी। अच्छा, शादी से पहले भी 7 साल हो गए थे? जी। वाओ, तो फिर मैं तो यूज्ड टू। एग्जैक्टली 7.5 years। फिर तो मतलब आप टीवी पे देखेंगे, आई नो दैट्स ओके, मेरे पास ही वापस आना है। तो अच्छा, तो इस वक्त जो हम दिखाने जा रहे हैं, हमारे पास आपकी पहली फुटेज है जो आपकी मेहंदी की है। जब आपकी शादी हो रही थी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी? हाँ, धूमधाम से, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली हुआ ये था कि जब शादी तय हो गई थी, मैं मेहंदी करना चाह नहीं रहा था, मतलब मैं और ये मेहंदी के उसमें बस ऐसी पसंद नहीं थी एज सच, तो बहुत सारी रस्में वो नहीं, मैंने कहा डायरेक्ट बस शादी करते हैं और वलीमा करते हैं। तो लोगों ने कहा देखो तुम्हारे जज्बात हैं, हमारे भी कुछ जज्बात हैं। वो घर वालों ने ही कहा ना, मेरे सिस्टर्स ने कहा कि नहीं भाई देखे गलत बात है, ये है वो है, फिर मेरी कजन्स वगैरह ने भी बोला, तो वो स्पेशली बहनों की। अच्छा, मेहंदी वो फंक्शन होता है जिसके अंदर हर आदमी बेतहाशा खुश होता है। वो शादी की एक अलग एक अच्छी फेस्टिविटीज में से है, सबसे अच्छी फेस्टिविटीज में से एक है। मैं ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेहंदी का फंक्शन जो होता है, दैट अब तो खैर मेरा जाना नहीं होता ना मेहंदियों में ना शादियों में, बट व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग आई थिंक मेहंदी वाज द फंक्शन दैट आई एंजॉयड द मोस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता था मेहंदी में जाना, चिल आउट टाइम होता है। आपको अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, अपनी कजन से जिनसे आपकी बहुत बहुत अरसे मुलाकात नहीं होती उनसे, और फिर डांस हो रहा होता है, गाने हो रहे होते हैं, खाने हो रहे होते हैं, पूरी पूरी रात आप जाग रहे होते हैं। वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एज वेल, दूल्हा वूल्हा को लेकर बाहर, जो मेमोरी है फायक की और सानिया की, और अगर आप अपनी मेमोरी शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन गिव अस अ कॉल। वॉच दिस। Oh,
is something special. To all the Bajis and all the Perjoyas, this is Patiala House. In it. Long Dalish Kara, oh baby, tera jaan se pyara. Oh baby, yeh chamka dil saada. Ke dikh gaya pyar yeh Patiala bhi. हो जब से दिल हारा ओ बदला में सारा का सारा ओ बेबी जिम गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियाल भी यार है यार है यार है पटियाल भी पटियाला बैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा हीरे मेरी जुल्फे तेरी मेरे हाथों की ये लकी. अच्छा थोड़ा सा मुझे बताना शुरू करो कौन कौन है तुम्हारे साथ. ये सनी है. ये हमारा कजन है, मेरा मामू का बेटा है. okay. पड़ोसी मुल्क से. oh, wow. और ये जो लड़की खड़ी है ये कजन है मेरी, यही रहती खाला की बेटी है, ये दूसरी खाला की बेटी. okay. ये फरदीन है, मेरी कजन का बेटा है. ये शादी में बना. हाँ ये शबाला बना था हमारा. oh, wow. okay. हाँ, शादी के उस पर एंट्री. अच्छा, ये इस तरफ जो राइट साइड पे है Your parents or her नहीं parents? नहीं, ये मेरी खाला खड़ी हुई है. okay. ज्यादा पकड़ी हुई है. okay. और मेरे मामू खड़े हुए. oh. ये भी हमारी शादी में. हाँ उस वक्त अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी मेरी. oh, okay. अच्छा ये आपकी सिस्टर है बराबर में? मेरी दोनों भांजी है जो मेरे. ओ, दोनों भांजी राइट लेफ्ट. और ये मेरा कजन है जो पीछे रहा. ठीक है. और ये दो लोग जो एक ही जैसे और तीनों मेरा दोस्त है जो मेरे राइट साइड पर है. और मेरे लेफ्ट साइड में मेरा दोनों कजन है और ये मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा अदील. एक और बेस्ट फ्रेंड है मेरे राइट साइड पे. और अच्छा 7 साल आपकी रिलेशनशिप को और फिर ऑल ऑफ अ सडन मेहंदी का दिन आया और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी आए, तो क्या फील क्या कर रही थी आप उस वक्त? नहीं मुझे प्रॉब्लम्स का तो आइडिया था ही, थोड़ी बहुत तो आ ही है. ओके. थोड़े ज़्यादा ही मैंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन इतने प्रॉब्लम्स आए नहीं, तो बस निकल गया था वो. यू वर रिलैक्स्ड? हाँ रिलैक्स थी. ये जहन में आ रहा था कि अब एक घर को छोड़ के मुझे दूसरे घर जाना? ये तो था. मतलब मैं जब मेरा मतलब मेरी रस्म हुई है, मेरी बात पक्की हुई है, तो बस मैंने 2-3 महीने बाद रोना शुरू कर दिया था. तो जो एंड के जो रक्षती का टाइम था तो मुझे रोना ही नहीं आ रहा था. मैं इतनी रो चुकी थी कि एंड में मुझे रोना ही नहीं आ रहा था. मैं सेट थी बिल्कुल. Really? तो आप रोई नहीं अपनी रुखसती पे? जाहिर है रोना नहीं है. तो रोई थी लेकिन एक होता ना एक पहले से ही जो है डिप्रेशन हो जाता है. और मतलब बंदा तो बड़ा अच्छा सीन था ना, भाई भी इसका बहुत उदास था. तो मैं अब मेरी कोशिश थी कि बस अब निकले फिर दोबारा सबसे मिलना. फिर मैंने कहा अब निकले फिर दोबारा. मैंने कहा फिर अब निकले. फिर उसके बाद जब मेरा ब्रदर इन लॉ आया मिलने के लिए मैं नहीं हो गया. मैंने निकल अब निकल जाए तो निकल जाए. तो कितनी देर लगी थी तुम लोगों को निकलने में? अरे बहुत देर लगी थी यार. अच्छा उस वक्त जब रुखसती होने लगी. अच्छा फिर सिर्फ निकल के जब आप अपने घर जाते हैं तब भी रस्में हो रही होती हैं? हाँ, that's another part. अच्छा मुझे वहाँ पे एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी. यहाँ पे मैं ऑन एयर इस वक्त बोल रहा हूँ, पप्पू अगर आप देख रही हो तो माइंड नहीं कीजिएगा और पापा प्लीज मुझे कुछ नहीं कहिएगा. वो हुआ कि हम लोग चलते हुए जा रहे थे तो वो पता नहीं क्या हुआ था, हमने मुड़के देखा था पीछे, तुमने मुड़के देखा था. पप्पू आगे, मेरी बेटा मुड़के नहीं देखते, बुरा शगुन होता है. मैं फिर दोबारा मुड़ा और फिर दोबारा मुड़ के मैंने यूं देखा. क्या बाहर के ड्राउ वाला सीन हो गया था? क्या मतलब ये क्या है? क्या मतलब क्या शगुन होता है? तो वो एक पॉज आया था एंट्री में, उसके बाद फिर हम चलते चले गए. उसके बाद बस फिर जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मैंने कहा नहीं नहीं तुम ज़रा अभी इंतज़ार करो, मुझ पर फिक्र नहीं करो, यहाँ से निकलने दो ज़रा मुझे. बस फिर रुखसती हो गई. बस फिर रुखसती हो गई थी. अच्छा अच्छा हम मेहंदी के डांसेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपकी भी मेमोरी बहुत याददाश्तें अच्छी हो जाएंगी. आई एम श्योर यू डांस राइट. मैंने देखी नहीं वीडियो लेकिन मुझे लग रहा है. मैं असल में मैं सबसे ज्यादा खुश था. आप सबसे ज्यादा खुश थे? लड़की को रोना चाहिए निकाह पे, मैं थोड़ा सा रो दिया था तो उल्टा हो रहा था. ठीक है चलाएं जी, प्लीज चलाएं.
क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा पूरा पार्टी सीन है अभी, नथिंग नथिंग, इट डजंट लुक लाइक अ मेहंदी है। हॉल वाले आ गए थे, उन्होंने कहा भाई खुदा का वास्ता बंद होने का टाइम हो गया यार, आप लोग चले जाओ यार, चले जाओ यार, उसने हाथ जोड़ दिए थे मेरे आगे। अच्छा वो जो डांस कर रहे थे उनका नाम क्या है यार? नाम मेरा ख्याल है, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर हर एक खानदान के अंदर आपको, वो जरा अली रोल कर सकते हैं हम पीछे जरा जाके, वो जो एक साथ जो डांस कर रहे थे, वो जो डांस हो रहा था, अगर अगर हम उसको रोल कर दें। उनके असल में धड़ में वेट नहीं था, उनके उनके अंदर बहुत डांस है। Literally, I'm telling you, there is a lot of dance in him. मैं अभी देख रहा था, there is बहुत ज़्यादा dance लग रहा है उनको, उनको बहुत ज़ोर से आया बता। Look at that. बहुत ज़ोर से. नहीं नहीं उसको enjoy करेंगे यार, क्या मतलब यार? मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं रहा कि जब खुशी है तो खुशी है यार, वो चाहे किसी की भी हो, वी शुड ऑल बी वेरी वेरी हैप्पी। और इनके लिए बहुत सही तालियां जो भी इनको इस कैरेक्टर की एक इंटरप्रिटेशन तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने कवर कर लिया शायर। मैं दाद दूंगा तुम्हारे इंटेलेक्ट होने की। इट्स नॉट अबाउट दैट। देखें हम लोग अभी एक, मैं चाहता था इस पे और बात हो, लेकिन बाहर नहीं, हम लोग अभी एक फॉर लाफ्टर्स, हम लोग अपनी एक पिक्चर की शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे सॉन्ग कर रहे थे, एंड दिस इज फर्स्ट मूवी इन पाकिस्तान जिसमें दो आइटम सॉन्ग्स हैं, तो उसमें एक आइटम सॉन्ग में आई एम अ पार्ट ऑफ इट। तो सब लोग बहुत थके हुए थे, हम लोग बहुत, वो सोनू हमको करवा करवा के पागल कर दिया था उसने, हम लोग स्टेप्स नहीं ले पा रहे थे, कुछ भी नहीं ले पा रहे थे, एंड एवरीवन वाज जस्ट क्वाइट। और पूरा जो आसपास के जो लोग खड़े थे वो दोपहर से खड़े हुए थे, रात को 3 बज चुके थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई थॉट कि यार कोई बात नहीं, मैंने कैमरे वैमरे सारे शट करवाए, मोबाइल्स बंद करवाए, एंड देन वी स्टार्टेड डांसिंग, द होल ऑफ मोहल्ला वाज डांसिंग, इट वाज अनबिलीवेबल। और उसके बाद हम जो शॉट्स दिए तो वो बहुत अच्छे गए, तो मेरे ख्याल में शायद मैं ऐसा हूँ, जिसकी भी खुशी है उसकी खुशी होती है, और अगर ये आपकी खुशी में खुश है तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं। अच्छा आपकी टेलीफोन कॉल है, यू टेक फाइव, कॉल लो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फाइक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए ठीक है, खैरियत से हैं, मजे में हैं? अल्लाह ताला आपको खुशियां नसीब करे, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिलने वाली बात है, इसमें कोई कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला आपको अपनी जुमान में रखे, आमीन सुम आमीन। और साहिल भाई से मेरी बात करिए। हाँ जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहिल भाई, मैं आपको बहुत ज्यादा, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे शो करते हैं, मैं आपको सलूट करती हूँ। और जो आपने अस्करी वाला भी शो किया था वो भी मैं बहुत ज्यादा, आपका स्टेशन बहुत अच्छे, हम लोग मैं बहुत ज्यादा शो से देखती हूँ, और आपके शो बहुत अच्छे हैं, आपके स्मार्ट टीवी को मैं बहुत ज्यादा करती हूँ कि वो बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैं आपको एक और फुटेज दिखाऊंगा, आपको याद होगा कि हमने कामिल गली की जो शेरी अम्मा है, अम्मी जानती थी जिसको आप घर से लेके आए थे, बीमार थी वो, आपको मैं वही बता रहा हूँ कि वो शेरी अम्मा जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑपरेशन हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही। आपको डॉक्टर ईसा से महीने के मोटापे वाली मेडिसिन जो है वो दे रहे हैं, हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, तो इट्स ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा तुम्हारी शादी के अंदर बहुत सारे फ्रेटर्निटी के लोग भी आए हुए, तो आइए जरा उनकी फुटेज देखते हैं, लेट्स सी मेहंदी के अंदर लेट्स सी हु ऑल वर देयर। नाजिबीन
के साथ होती है आपको एक बड़ा फख्र महसूस होता है कि ये लोग जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनसे मिलता हूँ वो लोग आपके साथ होते हैं जिनको आपने बुलाया होता है तो बहुत खुशी होती है. इट्स लवली यार, इट्स ब्यूटीफुल. दैट्स मानी एंड हिरा. इससे पहले गजाला जावेद थी, उससे पहले मेजबीन एंड फरी. मेजबीन एंड फरी. ओके, बाकी लोग बोली में भी आए थे. ओके ओके, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मैं हफ्सा साहब से बात कर रही हूँ. हफ्सा प्लीज बात कीजिए फाइक से और सानिया से, प्लीज बात कीजिए. अस्सलाम वालेकुम जी. मैं फाइक भाई. वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र. मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपको प्रोग्राम में देखकर. बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी आवाज मिला रही है. कि मैं बता दूं कि ये फाइक खान है ताकि 10,000 रुपए मैं जीत लूं. तो क्या वो कॉल नहीं आपकी? हेलो हेलो, अगर मिल जाती तो आपको 10,000 रुपए मिल जाते, लेकिन चूंकि कॉल नहीं मिली तो इसलिए 10,000 रुपए नहीं मिले. ताहिर भाई, मैं एक बताऊं कि मैं भी लोधी फैमिली से हूं, प्लीज मेरी कॉल जरूर आप अपने इनको कह देंगे, मेरी जरूर अटेंड किया करें, मेरी हर रोज बात करवाया करें. आप यकीन मानिए, मैं आपको रेगुलर प्रोग्राम देखती हूँ, बाकी सारे लेडीज शो है, एक सिर्फ आप ताजा हवा का झोंका है. ये अच्छा कोड बात. हफ्सा हफ्सा, आप छोड़े, आपने 10,000 रुपए जीते या नहीं जीते, मैं आपको भिजवा रहा हूँ 10,000 रुपए. ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है. जाहिर मतलब ताजा हवा का झोंका. मैं बहुत 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 साल से, 10 साल से ताजा हवा का झोंका हूँ. इट्स बीन वेरी ताजा यार. अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते, ब्रेक के बाद जाएगा कहीं नहीं, रस्में हैं जो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे. एंड छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद. डोंट गो अवे. Sitting with Faik and Sanya. तो आपकी मेहंदी जो थी उसकी रस्म तो हो ही रही थी. अच्छा मुझे ये बताइए कि कभी लड़ाई होती है आपस में? आर्गुमेंट होती है? बहुत होती है. बहुत. Who wins? अच्छा मतलब नहीं, ये भी जीत जाती है, ऐसा नहीं है. मैं बता तो जीत, मैं उस जीत की नौयत, मैं उस जीत की नौयत की इंटरप्रिटेशन करता चलूं. हाँ प्लीज. होता यह है कि ये एक मतलब अग्रीड हो जाती है, अग्री कर लेती हैं मेरी बात. हाँ. और जिस चीज़ पे मैं कह रहा होता हूँ नहीं नहीं नहीं, उसकी थोड़ी देर के बाद जब ये अग्री कर चुकी होती हैं और रोहांसी हो चुकी होती है, तो उसके अंदर बोलते चलो आटी क्या कर लो, ये जिस पे फट्टा हो रहा होता है तो जीतता कौन है? तो मेरे ख्याल में ये एक स्पिरिचुअली जो जीत है वो इनकी, इनकी होती है. अच्छा. बातों में जीत इनकी होती है लेकिन बात मेरी माननी होती है. मजा तो आता है जब मैं, जब किसी बात पे मैं समझा रहा होता हूँ तो इनको, इनको समटाइम्स मजाक उड़ाती है मेरा कि ये कोई करंट अफेयर्स या ये कोई टॉक शो नहीं है. मुझे इतनी मुश्किल मुश्किल बातें समझ में नहीं आती हैं आपकी. मैं वहाँ पे मैं चुप हो जाता हूँ. मतलब मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स क्या दूँ, मैं तुम्हें हर तरह से, हर जाविये से 360 एंगल है ना दुनिया को देखने देता हूँ, उस बात को देखने के भी 360 एंगल से उस तरह से समझा रहा होता हूँ. नहीं मेरी आसान बात किया करें प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा. बहुत डेप्थ में चले जाते हैं. और आप नहीं चाहती कि डेप्थ में जाएं? डेप्थ में जाने की जरूरत है क्या है? अच्छा जी, हमारे पास कुछ रस्में हैं जो इस वक्त रेडी हैं, आप दोनों को दिखाना चाहता हूँ. वॉच दिस, देखिएगा. ये उंगली पकड़ने की रस्म है. देयर यू गो. Sada hak, ethe rak, 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 sada h
नहीं तो तुमने 20,000 रुपए देके अपनी जान छुड़ाई थी। हाँ वो पहले से डिसाइडेड है। अच्छा पर मैंने कौन है जो ये जो इस वक्त साथ आपके साथ बैठी हैं कौन है? ये मेरी मामी हैं। अच्छा योर मामी ओके। और अम्मी मेरी हैं। अच्छा राइट नेक्स्ट टू हर इज योर मदर। हां मेरी मम्मी ठीक है जो उनके लेफ्ट साइड पे हैं। हां मेरे अब्बू को क्यों नहीं दिखा रहे यार अब्बू मेरे हीरो आदमी हैं। आएंगे 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 बिल्कुल आएंगे आप खुद भी हीरो हैं वो भी हीरो हैं डोंट नो वरी अभी आएंगे। अच्छा इसी में यहीं पर जब उंगली पकड़ाई की रस्म हो रही थी शमून की एंट्री आई थी। शमून की कहीं पर एंट्री आई थी शमून भाई यहीं कहीं से अपीयर हुए थे बड़े मजे से। हाँ और उनको देख के मैंने कहा चलो। अच्छा ये कौन है जो अब आपके साथ मुख्त? अच्छा ये उंगली पकड़ाने की रस्म है। अच्छा ये मेरी छोटी मामी चाची है ये मेरी ओके और ये मेरी कजन है ठीक है मशीन ठीक है। अच्छा इस वक्त आप इसमें मतलब यहाँ क्या हो क्या रहता है इस वक्त यहाँ पर मेहंदी तो वही रस्म जो होती है। अच्छा पत्ता रख के एंड देन मेहंदी लगाई जा रही है और आपने मेहंदी नहीं लगाई थी ये लगाई थी? मैंने मेहंदी शादी से पहले लगाई थी मेहंदी में नहीं लगाई मेहंदी में नहीं लगाई थी ओके ओके वाओ। अच्छा ये आपकी फैमिली है वो इज योर डैड टेल मी? नहीं नहीं वो मेरे कजन के शौहर ये मेरा कजन है तलहा। आपके कजन तलहा ये बुशरा ओके खाला के बेटा बेटी खाला ये नहीं मेरी उनके बेटा बेटी थे वो ओके और वो मेरे खालू साहब हैं कौन से जो पैंट शर्ट में। अच्छा पैंट शर्ट में ओके दैट्स योर मदर ना? हाँ ये आपकी अम्मी है और मेरे राइट साइड में मेरी बहन है ओके छोटी बहन ओके और ये पापा है मेरे और उनके साथ मेरी बड़ी बहन है शेरवानी। दैट्स योर डैड ओके वाओ नाइस फैमिली भाई माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी नाइस फैमिली। अच्छा ये यहाँ पर रस्में और इंसानिये की वालदा हैं और ये इनकी खाला हैं मतलब वाइट में जो इनकी वालदा हैं ये आपकी वालदा हैं ओके वाइट में ओके वेरी नाइस। एक टेलीफोन कॉल है लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ साहिब भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्लीज बात कीजिए फाइक और सानिया से बात कीजिए आज ये हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह आप बताइए ठीक है? मेरे बच्चे आपका ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपको बहुत पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। साहिर भाई जी जी बोलिए जी मुझे अपनी बेटी के लिए आपसे गिफ्ट चाहिए लैपटॉप का। क्या चाहिए बेटी के लिए गिफ्ट चाहिए? लैपटॉप चाहिए डायरेक्ट जी बता दो। लैपटॉप का गिफ्ट चाहिए डेल का दोगे या? मैं पूरी कोशिश करूंगा हमारे पास कोई वेंडर ऐसा आ जाए जो हमको लैपटॉप दे दे मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया एक और टेलीफोन कॉल लेते जल्दी काटो। नहीं बिल गेट्स है ना यार तुम्हारा भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम थाहिर भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज फायक और सानिया से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फायक भाई मुझे तो बड़ा वो हुआ कि फर्स्ट टाइम जब आप एंटर हुए थे तभी मैंने आपको गैस कर लिया था। आपकी मिसेज मुझे उनका फेस नजर आ रहा था और मैंने गैस कर लिया था। आप ये अफसोस पूरे हफ्ते मनाएंगी जी? ये अफसोस आपको पूरे हफ्ते रहेगा? नहीं नहीं मुझे कोई अफसोस नहीं। आपसे बात हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आज भी उतने ही फ्रेश लग रहे हैं जितने अपनी शादी थैंक यू
बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में जरूर याद रखिए। एक और टेलीफोन कॉल है, एक और तुम ही ले लो, एक और टेलीफोन कॉल है ले लो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फाइक भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए ठीक हैं? यकीन करें कि मैं शुरू से कॉल मिलाती रही कि आपको मैं गेस्ट करूं, लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली, इतनी दफा बेल गई और मैं गेस्ट नहीं, आपके से ना बात नहीं हो पाई मेरी। बस जिन लोगों को पता था कि मैं हूं और जो लोग जानते थे उनकी कॉल नहीं लग सकी, जिनको नहीं पता था कि मैं नहीं हूं, जिनको शाहिद आफरीदी या सनी खान या कोई और नजर आता तो उनकी मिल गई। जितनी सूरतें याद थी सब पढ़ती रही हूँ कि काश मेरी कॉल मिल जाए और मैं आपको गेस्ट कर लूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मिल नहीं पाई, बैड लक हुआ मेरे साथ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये बैड लक जो गुड लक में इंशाल्लाह किसी रोज तब्दील हो जाएगा, और साहिर के शो में तो वैसे ही गुड लक ही गुड लक होती है। तो अच्छा एक और टेलीफोन कॉल है भाई, एक और ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। जी जी बोलिए, साहिर भाई बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं मिसेस खालिद बात कर रही हूँ। साहिर भाई, मुझे आपका कल का शो बहुत अच्छा था और आज का भी बहुत अच्छा है। मुझे आपसे पैकेज चीज चाहिए थे लेकिन मेरी कल कॉल ही नहीं मिली। दीजिए दीजिए, प्लीज दीजिए साहिर भाई। अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया आपका, आप मुझे पसंद करती हैं एज साहिर लोधी, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा एक पूरी पाकिस्तान के वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड कंट्रोल है, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और मेरी फिल्म आने वाली है रास्ता, तो इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए मेरी मूवी जब सिनेमा में लग जाए, किसी मल्टीप्लेक्स पे लग जाए, तो टिकट के लिए आपके पूरे मोहल्ले को वहां पे कतार दर कतार टिकट खरीदनी है। अच्छा ओके, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, एक काम कीजिएगा अली, इससे पहले वाली जो कॉल आई थी ना, इससे पहले वाली कॉल, उनका नंबर ले लीजिएगा और उनको हम 10,000 रुपए दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। वेरी नाइस यार, मैं चाह रहा था उसका 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 रीज़न है, आपने लाइन अगर काट दी तो दोबारा कॉल कर दीजिएगा, उसका एक रीज़न है, आपने एक ऐसी बात कर दी थी कि उसके बाद फिर मैं ऑनेस्टली में आप सूरत पढ़ रही थी, आई डोंट नो, लेकिन आप क्यों पढ़ रही थी ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आपके 10,000 रुपए जी जरूर कॉल कीजिएगा। ये अच्छा है, मैंने कहा तुमसे सिफारिश करूँ उन खातून की जो सूरतें पढ़ी थी मुझे गेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा मुझे पता नहीं है आपकी क्या SOPs हैं यार। अरे नहीं कोई SOPs नहीं, ये तो मैं खुद दे रहा हूँ, कोई SOP नहीं तुम्हारी, तुम जो कॉल करोगे वो SOP ठीक है। अच्छा जी जरा देख, ओ वाओ दिखाइएगा अली, क्या है हमारे पास, ब्रेक पे जाना। अच्छा अच्छा, इस वक्त वो वक्त आ गया है कि जब दुल्हन को रुख्सत किया जाता है, अब आप जरा देखिएगा, अब आपको याद आएंगी बहुत सारी चीज़ें। अब ये वो वक्त आ गया है जब आप थोड़ी देर के बाद रुखसत हो जाएंगी, बारात की आमद है, हम पहले आपको वो दिखाना चाहते हैं। वॉच दिस जी।
क्या हुआ? क्या हुआ? What happened? No, no, what happened? Is everything okay? मैं रोना आ गया मेरे को. नहीं विजाल तो बताइए क्या हुआ, क्या है, what what actually happened? तुम्हें तो रोना नहीं आया ना? नहीं नहीं क्यों? मैं रो चुका जितना मैंने रोना था. अच्छा. नहीं लेकिन व्हाट डिड यू फील ऑनेस्टली, जस्ट वांट टू, क्या फील किया? वालिद साहब इनकी दुनिया में नहीं है. अभी 18 जुलाई को उनका इंतकाल हुआ कैंसर, तो उनको याद करिए. I'm really sorry. I think इसको हटा ही दे, मेरा इसको हटा दे, हटा दे. Let's talk. थोड़ा सा if you allow me, can I ask you a few questions? पूछ सकता हूँ? How was your relationship with your dad? I was very close to him. और मतलब स्पेशली जो इनके दो साल थे तो वी वर वेरी क्लोज, क्योंकि अब्बू जो हैं बीमार थे तो वो मतलब घर पे ही होते थे, बेड पे थे, मतलब बेड बाउंड थे, तो सारा टाइम हम उनके साथ ही होते थे. सभी ईद पे ही, जो ईद थी, ईद के फर्स्ट डे ही उनका सुबह ना नमाज के बाद उनकी डेथ हुई थी, बस मुझे वो याद आ गया. Tell me, जब आप रुखसत होकर चली गई थी तो उनसे फ्रीक्वेंटली बात होती थी? मतलब जब मैं रुखसत हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो मिस करती थी, मैं सब मतलब लाइफ में जो सबसे ज़्यादा रुखसत होने मिस करती थी, अपने अब्बू को ही मिस करती थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, सबसे ही थी, लेकिन स्पेशली जो अब्बू से रिलेशनशिप था स्पेशली था मुझे. क्या उनकी क्या बात ऐसी थी जिसमें जो आप समझती हैं कि आप पाइक में भी ढूंढेंगे या किसी भी शख्स में ढूंढेंगे? हर बात माशाल्लाह से बहुत ही डिसेंट थे वो, बहुत बहुत समझदार, मतलब हर चीज़ हम अब्बू से ही पूछते थे, कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी था बस अब्बू ही हर चीज़ के लिए अब्बू से ही पूछते थे, कि अब्बू मतलब अब्बू सारे डिसीजन लेते थे. बहुत समझदार, बहुत वज़नफर साहब, वज़नफर अंकल हम उनको बोलते थे, वज़नफर अफंदी उनका नाम था, बहुत अच्छे अब्बू, ज़बरदस्त आदमी. बात करने में शाइस्ता के शो में भी थे मेरे वाले. तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी थी? मेरी बात बहुत अच्छी हो गई थी मुझ पे, उनका बड़ा एक अच्छा ट्रस्ट बैठ गया था. जाने से पहले उनका वो अपनी मेरी सास से कहा करते थे कि मुझे पता है सानिया जो है वो खुश है, अच्छी फैमिली में गई है, सानिया के जो ससुराल वाले हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं, तो मैं इसकी तरफ से टेंशन में नहीं हूँ. तो उनको जाहिर से तो छोटी बेटी है अभी, उसकी शादी नहीं हुई, तो वो जो एक नेचुरल टेंशन होती है बस उनको वो थी. बाकी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, मजाक मस्ती करते थे बड़ा. तो वो मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग क्रैब्स खा रहे थे, क्रैब्स लेकर आया था, क्रैब्स को मैंने उनको मैंने कहा आप भी खाएं ना, तो आंटी भी बैठी हुई थी, मैंने कहा अंकल फिक्र नहीं करें, आपका एक्सपीरियंस और मेरी जवानी इसमें काम आएगी. तो वो बड़ा अच्छा उनसे कॉन्वर्सेशन रहती थी और बड़ा पसंद करते थे मुझे. बाद में बोलते मैंने कहा अंकल अब ठीक है मैं ओके हूँ, कहता हाँ ओके. अच्छा सानिया एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, और आपके थ्रू आज पहली मरतबा, हमारे हमने ऐसे शोज़ बहुत किए ऐसे फॉर्मेट के, लेकिन आज पहली मरतबा मैं आपके थ्रू शायद तमाम जो लड़कियाँ हैं ख़वातीन हैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ आपके थ्रू, अगर आप इजाज़त दें मुझे, शायद थोड़ा सा पेनफुल हो लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं करूँ. ओके. हस्बैंड का अपना एक रोल होता है लेकिन फादर का अपना एक रोल होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रिलेशनशिप इज़ विद योर फादर. आप उनको अब भी जाहिर है मिस करती हैं, बेताशा मिस करती हैं, आप कभी ये समझती हैं कि आपके फादर की कमी कोई भी पूरा कर सकता? नहीं सकता किसी की भी जगह मेरा नहीं ख्याल कोई ले सकता, बिल्कुल नहीं. स्पेशली बेटियां जो कि रुखसत हो जाती हैं उनके लिए बाप की इंपॉर्टेंस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाती है. हाँ वैसे ही बाप की होती है. अब हमारे बेटे साहब हैं, मैं अक्सर ऐसे कहता हूँ, देखो बेटा माँ का है, बेटी होती है बाप की. तो मैंने कहा मुझे इंतजार है कि बेटी भी हो मेरी इंशाल्लाह ताला, मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा अटैच हैं और वो दादा से अटैच हैं अपने, दादा उनके लिए सब कुछ है.
उसके बाद फिर वो बारी बारी सबके, फिर दादी के साथ, फिर बहनों के साथ, सबसे एंड में मेरा नंबर आया। तो मुझसे इतना अटैच नहीं, ऐसा ऐसा होता नहीं है, थोड़े दिन के बाद तुमको ये रियलाइज होगा, बिकॉज़ दैट्स हाउ इट हैपेंस विद माय डैड एज वेल। हम जब बड़े हो रहे थे, माय फादर वाज ऑलवेज वेरी फ्रेंडली विद मी, आई वाज ऑलवेज क्लोज टू माय मदर, वेरी वेरी क्लोज टू माय मदर, बट नाउ आई थिंक आई एम क्लोज टू बोथ। आई लव माय मदर, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर, ऑनेस्टली आई लव माय मदर, एट द सेम टाइम आई कैन नॉट लिव विदाउट माय फादर एज वेल, बिकॉज़ दे बोथ आर इक्वली डियर टू मी, इक्वली डियर। अलग अलग एक बैलेंस, अपना अपना एक नेचर का, नेचर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से साइन किया हुआ एक बैलेंस है ना यार, औलाद के लिए स्पेशली माँ और बाप, तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं लाइफ में, स्पेशली ये रिश्ते, ये रिश्ते जो सबसे ज़्यादा रियल होते हैं, कोई दूसरा रिश्ता नहीं। अगर इस वक्त आप अपने फादर को कुछ कहना चाहें, दिस इज योर कहना, go ahead, say, say, I know he's gone, but ये मेरा बिलीव है कि जो चले जाते हैं वो हमेशा हम हमारे साथ होते हैं, हमेशा होते हैं, ये मेरा बिलीव है, प्लीज से। कुछ नहीं, बस I love him a lot, और मैं उनके लिए बस बहुत दुआएं करती हूँ, बस मेरी हर दुआ में, मेरे अब्बू ही हैं, हर दुआ उनके लिए है, उनकी दुआ कबूल है। I've got a wonderful husband and mashallah, touch wood, you guys look great together. Thank you. बहुत सारी तालियां दोनों। और इन दोनों का एक बहुत प्यारा सा बेटा है और उसका नाम है हमदान। हमदान कितने साल के हैं जी? दो साल का। मुस्कुराने वाली, दो साल के हो गए? दो साल में, दो साल किस पे गया, किस पे है वो पता चलता है किस पे गया? शक्ल में, शक्ल में नहीं, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ, दो साल में दिमाग आदतों में किन पे गया? आदतों में जैसे एक आदत है अभी से माशाल्लाह से उसके अंदर आदत ऑर्गेनाइज नजर आता है, जैसे अगर ड्रॉअर थोड़ी सी भी खुली होगी तो देखता है ना, अगर खुली हुई है तो बंद कर देता है। बता दो आदत किसकी है? हाँ, ये फाइव पे गए, आदत बता दी है ना। अच्छा जी, अब आपने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये तो सुना होगा, लेकिन बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना, अपनी शादी में दूल्हा दीवाना ये नहीं देखा होगा। मैं था, आइए आइए आपको दिखाते हैं कि अपनी शादी में कोई दीवाना कैसे होता है। वॉच दिस। ये तुम जानबूझ के डांस कर रहे थे या ये लोग मजबूर कर रहे थे तुमको डांस करने पर? इन्होंने एक यूं समझ लें भुस में चिंगारी छोड़ी थी। ये है। तो आपने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, अब तो चिंगारी चली गई है। अब तो चिंगारी चली गई तो अब इसको प्रोवोक्ड होना चाहिए इस भुस को। अच्छा, जब आप बाइक भुस वाज ऑन फायर सॉरी।
ये बड़ी अच्छी फ्रेंड्स थी जो कि इंग्लैंड से आई थी। अच्छा थी क्या मतलब अब नहीं है क्या? अभी इन टच नहीं है उस वक्त। अच्छा इन टच नहीं है बिकॉज़ खवातीन कभी भी जाती नहीं है, बहुत अरसे के बाद जाती हैं, बहुत ज्यादा मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत अरसे के बाद जाती हैं। आप किसी से पूछ के देखो क्या हुआ, आई एम सॉरी आई डोंट गो देयर, बट खवातीन थोड़ी सी ज्यादा उम्र होती है उनकी और काफी उम्र होती है, बहुत ज्यादा उम्र। अब ये रुखसती पे हम जा रहे हैं, बारात की एंट्री, दुल्हन की एंट्री, दुल्हन अब आने वाली है, जरा दिखाइएगा दुल्हन की एंट्री। बारात तो हर दुल्हन से हर तरफ ही एंटर होती है, ये वाली एंट्री है, दिखाइए ये एंट्री है। When you were walking towards the stage, अपने father के साथ, what was going through your mind? उस वक्त तो खैर मैं इतनी ज़्यादा nervous थी कि nervous ही थी उस वक्त मैं। कुछ नहीं। कुछ भी blank। कुछ भी एकदम blank। Your mother is, you know, standing with you। Feelings ही नहीं थे उस वक्त क्योंकि मैं इतनी nervous थी first time, मतलब मैं stage पे जा रही थी। मैं बस सिर्फ नर्वस थी और ब्लैंक थी। नहीं सेकंड टाइम मेहंदी बाग इतने स्टेज पर दी का अलग था। और तुम क्या सोच रहे थे सामने सामने से जो देख रहे थे? यस छोटा सा एक ब्रेक है उसके बाद हम रुखसती के बारे में हम बात करेंगे एंड या ओके तो छोटा सा एक ब्रेक है इसके बाद एक मोमेंट है बहुत हीरोइक मोमेंट है और खास तौर पे फाइक उसके बारे में बात करना चाहते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। इससे पहले कि हम फुटेज की तरफ जाएं एक छोटी सी रस्म है जो हम यहाँ करवाना चाहते हैं एंड फाइक ये तुमने अपने हाथ में रखनी उंगली मतलब अंगूठी और इसको सॉरी इस हाथ में रख लो उसको बंद कर लो
और इसके बाद आपको ये जो आपकी छोटी वाली फिंगर होती है इससे आपको इनकी मुट्ठी खोलनी है। आप नो आइडिया कि ये कैसे होगी, लेकिन मुझे बताया गया कि ये हो सकता है। अब आई डोंट नो कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, आप लोगों को क्या लगता है, हो सकता है ये वाकई में हो सकता है? कोशिश तो करो, आप लोग की तालियां नहीं होंगी तो फिर कुछ नहीं होगा। 1 2 3 स्क्रू ड्राइवर नहीं है यार, दोनों यूज कर, आप दूसरा हाथ भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, हाथ से खोल दीजिए। घर नहीं है प्लीज। इतना खिलाता पिलाता हूं तुम्हें, देसी घी और खोल दी खोल। अच्छा जी, हमारे पास एक चावल की रस्म भी है जो हम करवाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आइए ज़रा रुखसती देख लें एक बार फिर, और ज़रा थोड़ी सी रुखसती के बारे में बात हो जाए। इनका जो हीरोइक मोमेंट है ज़रा वो भी आपको दिखा दूं, किस तरह से इन्होंने हाथ पकड़ा था और स्टेज पे लेके आए थे, आइए ज़रा दिखाते हैं, वॉच दिस। Nice. तो अब यहां से अब आप लेके जा रहे थे, फाइनली लोगों ने कहा कि आप बस ले जाने दो, वरना बाइक छोड़ेगा। आई थिंक फ्रेंड्स जा रहे थे, बैक पे एक रास्ता था, एक बंकर था नीचे वहां से। अच्छा सीरियसली, साइमा बैंक्वेट हॉल है ना तो नीचे से रास्ता है। अच्छा जब ये जा रहे थे आपको लेके तब कुछ फीलिंग्स हो रही थी या नहीं? हो रही थी। क्या क्या सोच रही थी, व्हाट वर यू थिंकिंग? अच्छा दिस 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 प्लीज बता दो यार, तुम्हें क्या बताऊं? नहीं क्या सोच रही हैं? देखो मेरे ख्याल में शायद औरत के लिए सबसे बड़ा वो ये लड़की के लिए सबसे बड़ी बात ही होती है कि वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाती है। यही फीलिंग्स हो रही है। यही फीलिंग थी। ओह आई एम गॉन, दैट्स इट। मतलब मैं अपनी अपने पेरेंट्स के बगैर अपनी फैमिली के बगैर किस तरह मतलब मैं रहूंगी वहां पे, मतलब जाहिर है अजीब सा लग रहा था कुछ। बस फिर सेट बट देन ही वाज विद यू तो नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं, मैं जितना साल में रहा देखो कुछ नहीं, बस नहीं ये अपने उसके अंदर एक ट्रांस में थी। मतलब चलो चलो चलो
खत्म करो बस हो गई शादी रुखसती हो गई बस अब वलीमा होगा। अच्छा एक बात बताओ लिटरली अगर आप देखें तो हॉल की लाइटें भी बंद हुई हैं। हाँ हाँ वो मैं हर हॉल वाला आके बोलता था भाई खुदा का वास्ता जितने जितने पैसे दिए तो उससे भी ज्यादा तजावुज कर चुके हैं अब ओवर टाइम हो गया भाई अब प्लीज चले जाए यार अब तो पुलिस भी आके जा चुकी है अब तो चले जाओ। अच्छा ये फाइनली सो अच्छा आप नीचे से निकले थे मतलब पीछे फ्रॉम द बैक पीछे नीचे कोई एक रास्ता बंकर ये वो पार्किंग कोई पी वाला एरिया अच्छा वहां से कहीं से निकले थे हम लोग तो आए थे फ्रंट से लिफ्ट एलिवेटर बाहर But it was good though. It was good. I mean, it was lovely watching, you know, ये video. बड़ा 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 कमाल है. हाँ, ऐसा नहीं है. हमारे पास सिर्फ यही है. वलीमे की video भी है. तो we'll watch that. लेकिन एक सलामुलेकुम जी. एक telephone call. सलामुलेकुम. Hello. Hello. हाँ जी. सलामुलेकुम. फाइक से बात कीजिए. सलामुलेकुम. Hello. अस्सलामुअलैकुम साहिर. जी कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं साहिर लोधी ने आज शो छोड़ दिया है अब आज से मैं कंडक्ट करूंगा वो मुझे पता आप कौन मैं कह रही हूँ जितनी भी आपके पास कॉल्स आई है ना लोग चाहे पछताए होंगे लेकिन 10,000 रुपए तो मेरे घर में थे मेरे बेटे का नाम फाइक का ओहो क्या बात है जबरदस्त तो मैंने मुल्तान और लाहौल में बेटे का नाम फाइक है आपके फाइक नाम में बहुत कम सुनता हूँ किसी के भी तो लेकिन जिनके भी सुनता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारे फाइक अफराद जो है वो मौजूद हैं फायक अफराद हाँ ना मालूम अफराद के बाद फायक अफराद हाँ ना मालूम के बाद फायक फर्द वाहिद का नाम फायक होता है मुझे बड़ी खुशी होती है एनीवेज अच्छा जी एक और टेलीफोन कॉल है प्लीज लीजिए अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक जी आप बिल्कुल बात कर रही हूँ साहिबा प्लीज मुझे आपसे मिल रहा है मिलिए साहिबा प्लीज मिलिए जी जी बोलिए जी मैं कैसे मिलूँ प्लीज मुझे आपसे मिल रहा है मुझे बताएं मैं कैसे आप ख्वाबों में मिलिए आप अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में मिलिए शायद लोधी आपको बिल्कुल मिलेगा अच्छा एक और टेलीफोन कॉल प्लीज ले लीजिए अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जी पिज्जा डिलीवरी बोलिए साहिर से बात करनी थी नहीं आपने कहाँ कॉल की है मैंने हेलो जी ये तो यहाँ से तो शिपमेंट होती है हेलो जी जी हेलो हाँ जी 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 अब कॉल मिल गई है सही मिल गई फ्रीक्वेंसी हो गई है हेलो फाइक से बात करनी थी Hello? अच्छा फाइक हाँ मैं फाइक जी आगे एकदम से लाइन पे हाँ ठीक है आपको मुबारकबाद देनी थी शादी की बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया थैंक यू और आवाज निकलती नहीं है थैंक यू कह रही है आप बहुत संजीदा बहुत सोबर और मैं? मेरे बहुत पसंदीदा आर्टिस्ट है वाइब माशाल्लाह बहुत अच्छी है आपकी थैंक यू और ये सोबर है जी मुझे ना ये सॉरी क्या कह रही है क्या मतलब 30 सेकंड के बाद खुद ही कट जाती है कॉल ऑटो पे लगा हुआ है उन्होंने आपको एक और कॉल दी है प्लीज ले लीजिए अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं मैं ठीक ठाक आप ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक बहुत जबरदस्त ड्रामे होते हैं आपके मैंने आपका देखा था मलका आलिया और मैंने अच्छा। गेस्ट भी कर लिया था लेकिन मुझे नाम नहीं आ रहा था आपका अच्छा 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 ये तो अब किसको किसकी मेरी बदकिस्मती आपको नाम जहन में आया और साहिर भाई से बात करने की जी जी अस्सलाम वालेकुम बोलिए साहिर भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप दो पासिस इसके दे दे इस गीत के समाज के तो आपको दो नहीं छह पासिस दे देता हूं मैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा अब आपके हम वलीमे पे जा रहे हैं बहुत सारे लोग उसमें हैं आपके जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं बहुत सारे लोग हैं तो आइए देखते हैं प्लीज वॉच दिस I'm
क्या बात है, क्या बात। अच्छा मैं वलीमे पे तकरीबन ऑल द फ्रेटर्निटी वाज देयर, एवरीवन वाज देयर, आई मीन देयर, आई मीन देयर वाज शमून, देयर वाज आसिम अली, मुख्तार खान, या 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 फिरोज भाई, शेरोज वाज देयर, बेरोज भाई वाज देयर, दानिश तैमूर, दानिश तैमूर वाज देयर, हम लोग साथ काम कर रहे थे एक प्रोजेक्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा, इरफान इज देयर, इरफान मोतीवाला, इरफान मोतीवाला इज देयर, शहजाद अली खान साहब, शहजाद अली खान साहब, काजिम साहब इज देयर, हसन अहमद, सवेरा इज देयर, हसन अहमद, या एवरीवन। मुझे तुम्हारे मेहंदी शादी और वलीमा किसमें खाना सबसे तुमने एंजॉय किया? खाना खाना अच्छा खाना मेरे मेरे वालिद साहब और मेरे घर वालों ने और इनकी तरफ के इनके लोगों ने, मेरे वालिद साहब ने बड़ा फोकस रखा कि यार खाना जो है वो याद रह जाता है किसी भी तकरीब का, तो वो खाने से रिलेटेड उन्होंने बड़ा कुछ चुन चुना के पूरा मेन्यू और घर वालों ने डिसाइड करके सब कुछ रखा हुआ था। मेहंदी पे ये हुआ था कि मेहंदी पे खाना जो है वो खत्म हो गया था, तो उनको बड़ा अफसोस होता था, उन्होंने जल्दी जल्दी क्विक क्विक जो भी वो कर सकते थे किया, और कुछ लोग जो थे वो जा चुके थे, तो जाहिर सी बात है आप, मैं खुद मतलब मुझे कबाब खाना थे मैं नहीं खा सका था, तो उसकी जगह मुझे बाहर से लेना पड़ा। बहुत अफसोस है तुम कबाब नहीं खा सके, कबाब नहीं खा सके, मैं दूसरों की मेहंदियों पे खाया कबाब। शादी में भूख कैसे लगती है? भूख का, भूख का एक एलिमेंट होता है, वो खत्म हो गया था, वलीमे का खाना बहुत जबरदस्त था। अच्छा चूंकि वक्त अब खत्म हो गया है इसलिए लवली हैविंग यू बोथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो, थैंक यू फॉर शेयरिंग अस, शेयरिंग ऑल द मेमोरीज विद अस, बहुत खुशी हुई देख के आप दोनों को, खुश देख के बहुत खुशी हुई, इन टच वुड, May God bless you always. May God bless you and Hamdan and the rest of your family. Or obviously, that's a great loss for you. Like, I think he's very happy. Reason is because you've got a wonderful husband. And aap dono ek dusre ke liye bane. Hey, Krishwara, tumne apni begam ki taraf dekhna aur I love you kehna hai. Acha. Haan, aur ye kya? Aur phool ke saath, kehna hai. Jahan par bhi jo gulab tumne khalo. हाथ में नहीं, नहीं वो पीला गुलाब है। अच्छा पीला गुलाब नहीं, रेड भी है। ये ले यार। ओके, देयर यू गो, म्यूजिक दीजिए बाइक। यार रास्ता की शूटिंग थोड़ी हो रही है, कम ऑन यार, रास्ता की शूटिंग में ये सब देंगे। ठीक है, हाँ जी क्विकली कैमरा जा रहा है। आई लव यू। वाह कल मिलेंगे सुबह 9 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड क्या कह रहे, क्या कह रहे? अरे हाँ, कल तो खवातीन का ऐसा शो है कि आप बिल्कुल भूल ही नहीं पाएंगी, लिटरली बता रहा हूँ, कमाल शो है, जरूर देखिएगा। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, टिल 9 o'clock इन द मॉर्निंग, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।